भारत की यात्रा नई इबारत लिखने की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसका एक उदाहरण भारत के कृषि निर्यात में देखने को मिला है। भारत के कृषि निर्यात में 23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि निर्यात में यह बढ़ोतरी अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच हुई है, जिसमें पिछले साल की तुलना में विदेशी बाजारों में भारतीय गेहूं की मांग में जबरदस्त उछाल आया है। कोरोना से प्रभावित वैश्विक बाजारों में भारतीय गेहूं के साथ ही भारतीय अनाज से तैयार विविध प्रसंस्कृत आइटम, अन्य अनाज, चावल, डेयरी उत्पाद की मांग में बढ़ोतरी हुई है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपीडा के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात से होने वाली कुल आय में भारतीय चावल ने सबसे अधिक डॉलर जुटाए हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारतीय चावल के निर्यात से 10 महीनों में 7,696 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय हुई है। वहीं बीते साल की तुलना में चावल के निर्यात में 13% की बढ़ोतरी हुई है। अपीडा के आंकड़ों के अनुसार भारत का कृषि निर्यात अप्रैल जनवरी 2020-21 में 15,974 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो अप्रैल जनवरी 2021-22 में बढ़कर 19,709 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। हालांकि अपीडा ने 2021-22 के तहत कृषि उत्पादों के निर्यात से 23,713 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय का लक्ष्य निर्धारित किया है। विदेशों में इस बार भारतीय गेहूं की मांग में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। अपीडा के आंकड़ों के अनुसार 2020-21 की तुलना में बीते 10 महीनों में भारतीय गेहूं की मांग में 387% की वृद्धि हुई है। अप्रैल जनवरी 2021-22 के दौरान गेहूं के निर्यात में 1742 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल जनवरी 2020-21 के दौरान भारतीय गेहूं के निर्यात से 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय हुई थी, जबकि अप्रैल जनवरी 2021-22 के दौरान भारतीय गेहूं के निर्यात से 1742 अमेरिकी डॉलर की आय हुई है। वहीं अन्य अनाजों के निर्यात में 66% की वृद्धि दर्ज की गई है। अपीडा के अनुसार अप्रैल जनवरी 2021-22 के दौरान मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों के निर्यात में 13% की बढ़ोतरी हुई है। मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों के निर्यात से अप्रैल जनवरी 2021-22 के दौरान 3408 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय हुई है, जबकि अप्रैल जनवरी 2020-21 के दौरान मांस डेयरी उत्पाद के निर्यात से 3005 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय हुई थी। इसी तरह अप्रैल जनवरी 2021-22 के दौरान फलों और सब्जियों का निर्यात 16% बढ़कर 1207 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो अप्रैल जनवरी 2020-21 में 1037 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।